नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे सो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर नंबर सेवन और चैप्टर नंबर सेवन के अंदर जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है दोस्तों आपका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर आप सबका स्वागत करता हूँ तन्वी गोयल पायल सिंह हर्ष आर्या वैशाली प्रियंका मोहित रोहित जीना जया हर्षिता मोहित ठीक है मलखान ठाकुर सर आप हिंदी मीडियम देखो यार हिंदी मीडियम की बता देता हूँ मैं आपको हिंदी मीडियम का मैं बता रहा हूँ हिंदी मीडियम का वी विल लॉन्च अवर सेपरेट चैनल जब अपने इस चैनल पे वी विल रीच फिफ्टी के जब पचास के हो जाएंगे ना पचास हजार सब्सक्राइबर इस चैनल पे हो जाएंगे ठीक है क्योंकि थोड़ा इस पर कॉन्टेंट अभी हम डाल देंगे देन वी लॉन्च अ सेपरेट हिंदी चैनल जल्दी हो जाएगा आप देख लो कितनी जल्दी आप पच्चीस के पचास के पे पहुँचाते हो उसके बाद वी लॉन्च अवर हिंदी चैनल तो so, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे आज के सेशन की ठीक है जिसमें हम ज्योग्राफी एन सीरीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये मेरे टेलीग्राम चैनल अच्छा मेरा टेलीग्राम चैनल आज के टाइम पर सिर्फ ये है ठीक है किसी भी प्रकार के टेलीग्राम और चैनल बन रहे हैं तो यार प्लीज़ उनसे ना ज्वाइन करें मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है ऐट द रेट सुमित राठी ऑफिशियल दिस इज माय ओनली टेलीग्राम चैनल उसके अलावा दोस्तों सुमित डॉट राठी जीरो थ्री ठीक है ये मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप है इंस्टाग्राम चैनल है तो दोनों को आप प्लीज फॉलो कीजिएगा आज का जो टॉपिक है इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं देखो टॉपिक के अंदर में मुख्य बात क्या है देखो मुख्य बात इसमें बताई गई है कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर ठीक है देखो दो चीज होती है एक तो होता है इवोल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर इवोल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर और एक होता है दोस्तों आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर बहुत आसान टॉपिक है आज का इवोल्यूशन जो होता है ठीक है ये नहीं है इसमें बिल्कुल भी क्योंकि ऑलरेडी हम जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ठीक है दूसरा चैप्टर जब पढ़ा था ओरिजिन ऑफ अर्थ तो कुछ हद तक वहाँ पर वो चीज़ें हमने कवर कर ली थी ठीक है अब जो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर एटमोस्फेयर का कंपोजिशन बहुत ही छोटा टॉपिक है हार्डली पंद्रह मिनट लगेंगी आज के इस टॉपिक को कवर करने में ठीक है सो so, हमने क्या बताया दोस्तों एटमोस्फेयर वायुमंडल आज डिस्कस करने है अब समझो हमारे वायुमंडल में क्या देखो ये हमारी पृथ्वी है ना ठीक है इस पृथ्वी के ऊपर अगर आप देखोगे ना तो एक चारों तरफ चद्दर है ये हमारा अर्थ और अर्थ के चारों तरफ दोस्तों एक चद्दर सी बनी हुई है ठीक है ये एक फ्लूइड सिस्टम है पृथ्वी के चारों तरफ और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों एटमॉस्फेयर ठीक है पृथ्वी चारों तरफ से घिरी हुई है और इस चारों तरफ से जो घिरा हुआ है इसकी अलग अलग लेयर हम बांटते हैं अलग अलग आधार पे हम अलग अलग डिवाई डिविजन बनाते हैं बट यहाँ पर जो डिवीजन है उस पर हम देखते हैं तो इनके हिसाब से जो एटमोसफेयर होता है ना इसके तीन भाग होते हैं ठीक है तीन चीजें एटमोस्फेयर में मिलती है पहली जो सबसे ज्यादा चीज़ मिलती है वो मिलती है गैस भाई साहब कई प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की गैसेस जो हैं वो आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है जैसे कुछ ऐसी गैस है जो लाइफ गिविंग गैस है जैसे ओ बिना इसके जीवन संभव नहीं है अच्छा ओ थ्री ओ थ्री भी अपनी जगह में तो बहुत सही है ना ओजोन स्टेटोस्फेयर में अगर ओजोन ना हो तो जीवन होता नहीं होता इसके अलावा सर कार्बन डाइऑक्साइड आप कहोगे सर सीओ टू लाइफ गिविंग कैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो भी जीवन ना होता बिकॉज ये पृथ्वी को चारों तरफ से गर्म रखने का काम करती है वो गलती है। हमारी है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ द ग्रीन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का सामना करना पड़ता है इसके बाद है दोस्तों वाटर वेपर जिसको हम बोलते हैं जलवाष्प जलवाष्प जो है ठीक है ये समुद्र की सतह है किसी भी सतह से जब आपके पानी भाप बन के ऊपर उठता है तो वो हो गया हमारा एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर यानी कि जलवास्त फिर आता है दोस्तों यहां पर अब जो आप देख रहे हो धूल के कण तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में होती हैं क्या क्या होता है दोस्तों एटमोस्फेयर में और सारा जो एटमोस्फेयर अगर हम बात करें धरती मान लो ये सतह है सरफेस है अब यूं तो मान के चलो ऊपर तक एटमोसफेयर है ही है पता नहीं कहां तक है हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते बट अब मान के चलो अर्थ का ज्यादातर जो एटमोस्फेयर है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमोस्फेयर नीचे वाले एटमोसफेयर में मतलब आप 100 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं ठीक है ज्यादातर नीचे वाले एटमोस्फेयर में और हमारे लिए जो काम की होती है वो सबसे एटमोस्फेयर की नीचले ही परत होती है जीरो से लेकर दस से लेकर पंद्रह किलोमीटर का जो एरिया है दैट इज मतलब वही हमारे लिए काम का है क्योंकि सारा खेल उसी में होता है तो अगर हम बताएं सर एटमोस्फेयर तो एटमोसफेयर कुछ नहीं है दोस्तों ये एक बाहरी लेयर है ठीक है ठीक ये क्या है इट इज अ लेयर जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए जिसमें मुख्य रूप से कई सारी गैसेस पाई जाती हैं जिसमें जलवाष्प पाए जाते हैं जिसमें धूल के कण पाए जाते हैं गैसेस के अंदर बात करें तो कई प्रकार की गैस जैसे आपका ओ टू ओ थ्री सीओ टू एन टू ठीक है इसके अलावा दोस्तों आर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी गैसेज यहां पर पाई जाती है जलवाष्प एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है जलवाष्प की वजह से ही दोस्तों अगर हम बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है हमारी पृथ्वी की निचले जो है लेयर में आप मान के चलो दो किलोमीटर के से लेकर ठीक है तीन किलोमीटर तक के हिस्से में ठीक है टू तो जीरो से तीन किलोमीटर मान लो आप ठीक है इसी में सारा का सारा ये पाया जाता है वाटर वेपर और इसी से भैया आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन एंड प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों वर्षा बारिश पूरी बारिश इसी पे डिपेंड करती है इसी पे पूरी वर्षा जो है वो निर्भर करती है आपका ठीक है ये बात समझ में आई तो दिस इज अवर एटमोस्फेयर तो अगर आपसे कोई पूछे एटमोस्फेयर क्या तो आप कहोगे सर पृथ्वी के चारों तरफ एक चद्दर सी है जो घेरे हुए हैं इस चद्दर सी में कई चीजें हैं इसे फ्लूइड सिस्टम है इसमें इस गैस जलवाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं गैसेस में दर आर नंबर ऑफ द गैसेस इज प्रेजेंट्स लाइक ओ टू सी ओ टू ठीक है ओ थ्री एन टू आर्गन क्रिप्टोन जीनोन ठीक है दर आर थाउजेंड ऑफ द गैसेज इज प्रेजेंट बट मेन कौन सी गैस है सर ये बहुत ज़रूरी है मेन गैस कौन सी है सर सर मेन गैस यहाँ पर तीन गैस हम बात करते हैं वैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है दैट इज एन टू दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है दैट इज ओ टू बिना इसके जीवन नहीं है ठीक है एन टू सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन अब इसके बाद जो है ये चौथे नंबर की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है एक और है नंबर तीन पर जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों आर्गन जी हाँ यूजुअली और सामान्यता हम ऐसा ही सोचते हैं कि सबसे ज्यादा गैस देखो अठहत्तर परसेंट नाइट्रोजन लगभग इक्कीस परसेंट ये ऑलमोस्ट ट्वेंटी वन परसेंट है ये हमारे पास क्या है दोस्तों ऑक्सीजन और बाकी का जो एक परसेंट बचता है उसमें सारे निपट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन वाटर वेपर जितनी भी बाकी गैस है सब निपट जाते हैं इसमें भी वन परसेंट में हमने लिखा है अभी सीओ टू बट सीओ टू इज द फोर्थ लार्जेस्ट गैस विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर तीसरे नंबर पर जो हमारे पास सबसे ज्यादा गैस प्रेजेंट होती है दोस्तों अगर यहां पे आप देखोगे तो थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों हमारे पास क्या दोस्तों आर्गन ठीक है कहां पे है ये रहा दोस्तों आर्गन इनका आप दे, वैसे देखना चाहो तो देख सकते हो N2 जो है वो आपकी कितनी होती है 78.084% पूरे एटमॉस्फेयर में O2 की बात करें दोस्तों तो ये है 20.946% ठीक है उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास आर्गन और आर्गन कितना है 0.934% फिर आते हैं दोस्तों CO2 पे देखो पहले 0. .0 ठीक है 0.03 होता था बट आजकल हम फोर लिखने लगे क्यों क्योंकि लेटेस्ट अपडेट की हिसाब से बता रहा है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी भी तो है ग्रीन हाउस रेवोल्यूशन की वजह से अब ये चार आपको सीक्वेंस याद रखने हैं बस पहला दूसरा तीसरा और चौथा इसके बाद होता और भी कुछ है बट वो अपने को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है ना देख सकते हो आप बाकी रखना चाहो तो रख सकते हो और आप ये भी देख सकते हो कौन सी कौन सी मात्रा में पूरा सीक्वेंस याद रखना है जिसको जो ज़्यादा आइंस्टीन का फूफा बढ़ना चाहता है वो रख सकता है ठीक है बट मेरे हिसाब से पहला दूसरा तीसरा चौथा ये याद रख लोगे इस इज इनफ दिस इज इनफ ठीक है हिंदी में यार वो पुराने प्लेटफॉर्म पे तो कई लोग पढ़ा रहे हैं हिंदी में एनसीईआरटी ठीक है पढ़ा रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा वहां पे अगर नहीं आ रहा मज़ा तो थोड़ा दिन रुक जाओ मैं पूरी एनसीईआरटी सब कुछ हिंदी का एक चैनल ही बना देंगे पूरा यूपीएससी के लिए ठीक है बस थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूं कि यार इस चैनल पर पहले अपना थोड़ा कॉन्टेंट हो जाए और एटलीस्ट वी विल गेट फिफ्टी के सब्सक्राइबर देन वी लॉन्च अ डिफरेंट चैनल और वहां पर पूरा हिंदी का ही कॉन्टेंट हम डाल लेंगे फिर ठीक है यार रुक जाओ अभी बात करते हैं आज एक मीटिंग करता हूँ मैं शाम में अभिषेक सर के साथ है ना अपने पास कितने रिसोर्स हैं उसके हिसाब से फिर एक ऐसा कर लेते हैं भाई दो क्लास चल रही है तो एक हिंदी वाले बच्चों के लिए चला देते हैं एक इंग्लिश वालों के लिए तो बैलेंस रहेगा है ना अब ये एनसीईआरटी में तो मैं देख रहा हूँ एनसीईआरटी में देखो आप लोग कुछ आता है नहीं अभी आप देखोगे तो आपकी संख्या देख लो एनसीईआरटी के अंदर आपका कोई दिलचस्पी है नहीं अभी ठीक है तो फिर कोई मतलब नहीं है बट खैर वैसे भी ग्यारहवीं क्लास की एनसीईआरटी होगी बारहवीं बारहवीं बची है मेरी मेरे सरफ़ से बोझ उतर जाएगा कि भाई मैंने एनसीआरटी पूरी करा दी है ना आपसे वादा किया था अब बात करते हैं दोस्तों ओजोन का है ना एक गैस में एक और इंपॉर्टेंट गैस है जिसको हम ओजोन बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये मान के चलो ओजोन में होता क्या है देखो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन तीसरा तीन ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं ओ प्लस ओ प्लस ओ अब ये जो है ना दो जगह पाई जाती है आपको पता है ओजोन एक तो मिलती है लोअर एटमोस्फेयर में तो लोअर एटमोस्फेयर में और एक मिलती है दोस्तों कहां पर अपर एटमोस्फेयर में अब आजकल एक डिबेट आ गया कि ओजोन इज गुड और बैड तो आप देखो जब ओजोन इन अपन एटमोसफेर सिंपल बोलोगे गुड ठीक है क्यों यहां पर ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है सूरज है सूरज से यूवी रेज आती है और इन यूवी रेज को दोस्तों ये जो हमारी ओजोन गैस है ये क्या कर लेती है एब्जॉर्ब कर लेती है जिसको हम बोलते हैं अवशोषित करना तो इसने इसको अवशोषित कर लिया ठीक है खत्म हो गया मामला नहीं तो ये धरती पर आती ऑल गेट स्किन कैंसर अभी जो ओजोन लेयर है ना इसकी ये कहां से कहां तक है सर अगर आप देखोगे धरती से तो सर ये 20 किलोमीटर से शुरू हो जाती है एंड इट विल अप टू अपनी किलोमीटर 20 से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास तक ये आपका पाई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट है मैंने बताया एटमोस्फेयर का दोस्तों ये कहां पाया जाता है ये धरती के लगभग 20 से 50 अगर लेयर अगर आपसे कोई कहे तो इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन टू स्टेटोस्फेर ये कहां पे पाया जाता है दोस्तों इट इज प्रेजेंट इन समताप मंडल समताप मंडल में पाया जाता है समताप मंडल सामान्यतः अगर आप देखोगे तो 10 से लेकर 50 किलोमीटर और समताप मंडल की जो ऊपरी भाग है जिसको हम कहते हैं लगभग 20 से लेकर 20 से लेकर 50 किलोमीटर इसके अंदर में यार ओजोन की उपस्थिति होती है यहां पर ओ थ्री यानी कि ओजोन पाया जाता है अब कोई बीस से तीस कहीं क्लास में आपको तीस से पचास मिलेगा किसी किताब में कोई कुछ तो उससे इतना छोटा मोटा जो चीजें वो मत उससे टेंशन मत लेना ये क्या करती है ये धरती पे सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को क्या करती है अवशोषित कर लेती है और इसके कारण दोस्तों हमें उनसे प्रभाव नहीं पहुंचता समझ में आई अब ओजोन के बाद बात करते हैं लेयर ऑफ एटमोस्फेयर बहुत छोटा टॉपिक है एज एज आई टोल्ड यू बहुत छोटा टॉपिक है आसान से समझ में आ जाएगा सर ये एट चैप्टर है देखो मैं एन सी आर टी कहाँ पर बता रहा हूँ मैं एन सी आर टी बिल्कुल लेटेस्ट एन सी आर टी लेके चल रहा हूँ जो आपका सेवन्थ चैप्टर पुरानी वाली में था वो इसमें सिक्स में कम्बाइंड कर दिया है जो छठा चैप्टर पढ़ा है ना उसमें सारा कम्बाइंड करके एक जगह दे दिया मैं जो लेटेस्ट एन सी आर टी है मेरे पास एन सी आर टी की कोई फिजिकल किताब नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की एन सी आर टी की वेबसाइट है मैं वहाँ से चीज़ें उठाता हूँ क्योंकि सरकारी जो चीज़ है ना उसमें वही पूछेगा जो सरकार ने अभी लेटेस्ट रखा है अब कोई स्कीम बंद होगी उस पर सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि वो है ही नहीं सरकार ने बंद कर दिया तो अभी जो सरकार की आपको पता है रैशनलाइजेशन हुआ अभी एनसीआरटी की किताबों में तो मैं उसी के हिसाब से चीजें करा रहा हूं ठीक है अब समझो हमारे पास सर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कितनी है कितनी लेयर होती है सर वायुमंडल की ये बताइए हमें कितनी परत होती है वायुमंडल की तो प्यारे बच्चों हमारे वायुमंडल में ना पांच अलग अलग परत हम मानते हैं देखो दोस्तों ये जो परत है ये वाली जो है ये हम तापमान के आधार पर करते हैं टेम्परेचर के आधार पर अच्छा इसके अलावा भी दो तीन और भी टाइप है जिसके हिसाब से हम वायुमंडल को अलग अलग भागों में बांटते हैं अब वो एनसीआरटी में नहीं है इसीलिए यहां पे हम नहीं पढ़ेंगे जब हम कोर्स लेके आएंगे वी विल डिस्कस देयर फॉर राइट नाउ भाई वो है नहीं तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप लोग एनसीआरटी पढ़ना चाह रहे तो दिस इज एनसीआर तो एनसीआरटी के अलावा वो अभी ये मत सोचना वो नहीं होगा वो भी होगा बाद में डोंट वरी अबाउट दैट अब देखो कितनी लेयर है ग्राउंड पे प्रेजेंट है ट्रोपोस्फेयर फिर इसके बाद स्टेटोस्फेर मीजोस्फेर फिर उसके बाद आता है दोस्तों थर्मोस्फेयर और ये होता है एक्सोस्फेयर इसको थोड़ा सा मैं एक बार अपने डायग्राम बना के मैं इसको ड्रॉ करके समझा देता हूं बहुत आसान है आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा कोई टेंशन नहीं होगी देखो ये है बच्चों हमारी अर्थ अर्थ पृथ्वी सतह है ठीक है सर इसके ऊपर है एटमोस्फेयर हमारे पास तो इसके ऊपर ये है हमारे पास सर सबसे पहली लेयर दिस इज अवर फर्स्ट लेयर अब सर ये फर्स्ट लेयर है तो ये कहां से कहां तक है आई विल टेल यू डोंट वरी पहली लेयर ठीक है ये जो पहली लेयर है सर इसी को हमने नाम दिया है ट्रोपो स्फीयर क्या कहते हैं सर इसको इसको बोलते हैं सर क्षोभमंडल ओके okay. इसके बाद क्या है सर सर दूसरे नंबर पर जो मेरे पास आता है सेकेंड नंबर पे दिस लेयर ये कौन सी है सर दिस इज नॉन एज स्ट्रेटो स्पीयर इसको हम कहते हैं समताप मंडल अच्छा इसके बाद सर इसके बाद आता है हमारे पास मेजो जिसको हम बोलते हैं सर मध्यमंडल इसके बाद आता है सर हमारे पास थर्मोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं सर बहिर्मंडल और लास्ट में आता है सर हमारे पास एग्जोस्फेयर जिसको हम कहते हैं सर बाह्य है मंडल अब ये जो तापमान ये जो बंटवारा है आपने कहा ना सर ये कैसे बांटते हैं सर ये डिवीजन हो रहा है आप ध्यान रखना टेम्परेचर के आधार पर ठीक है ये सारा बंटवारा हम तापमान के आधार पर कर रहे हैं कहने का मतलब क्या हुआ अलग अलग लेयर में तापमान अलग अलग है तापमान का हिसाब से हम यहां पे डिवीजन कर रहे हैं सर कैसे चलो मैं बता रहा हूं देखो ध्यान देना देखो कैसे यहां से जब तुम यहां जा रहे हो दोस्तों तो ये कहां तक है सर ये जीरो से लेकर आप मान के चलो दस से पंद्रह किलोमीटर आप मान के चलो ऐसा अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं ठीक है क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं सर? क्योंकि तो है ना, वहां पर अगर हम देखें तो ये बहुत तो अच्छी खासी होती है ये सोलह किलोमीटर सत्रह किलोमीटर तक सिक्सटीन टू एटीन किलोमीटर आपका हो सकता है इसकी हाइट उसके बाद स्टेटोस्फेर में आ जाते हैं दोस्तों ये जो है ना, ये स्टार्ट होता है आपका दस से मान लो एंड ये टेन किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है एंड इट विल लास्ट अप टू फिफ्टी किलोमीटर इसके बाद ये बात करते हैं तो ये 50 से लेकर लगभग लगभग मैंने बताया दोस्तों इट विल लास्ट अप टू 80 किलोमीटर कई कई जगह पर 90 भी लिखा होगा ठीक है कोई कसम खा नहीं रखी किसी ने नाप नहीं रखा जाके फीते से नाप रखा है वो मिल जाएगा आपको इतना वेरिएशन मिलेगा ठीक है किताब में कुछ मिलेगा डायग्राम में कुछ मिल जाएगा अब इसके बाद में मान के चलाओ फोर किलोमीटर तक साढ़े किलोमीटर तक आपको ये मिलता है और इसके ऊपर भाई प्रभु की इच्छा तक साढ़े चार सौ के बाद प्रभु की इच्छा तक वो चलता है कोई दिक्कत नहीं है ये जो लेयर है ना ट्रोपोस्फेयर ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा मैं जो बता रहा हूं नाउ दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट भैया ये जो लेयर है ना सर सारा खेल इसी में है हमारे जितने भी वेदर रिलेटेड अच्छा पहले मैं वो बताता हूं आपको ठीक है टेम्परेचर जिसके हिसाब से हमने डिवीजन किया है ठीक है अब मैंने डिवीजन किया तापमान के आधार पर तो देखो ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है ना इसके अंदर क्या होता है टेम्परेचर जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉट ऑल्टीट्यूड अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने मैं बता देता हूं सर सर जो ऑल्टीट्यूड होता है ना ऑल्टीट्यूड को कहते हैं ऊंचाई हिंदी में वैसे आपको इसको ऊंचावच भी लिखा देखा होगा आपने ठीक है वैसे ऊंचाई है इसमें ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटेगा ठीक है फिर आता है हमारे पास ये लेयर इस लेयर के भी दो भाग बन जाते हैं देखो एक तो बनता है ये लोअर पार्ट यहां पर दो पार्ट बनेंगे एक तो बनता है सर हमारे पास ये लोअर पार्ट जो 10 से लेकर लगभग लगभग 20 किलोमीटर तक का होता है ये जो आपने बताया ना सर ये ये भाग ये 10 किलोमीटर से लेकर कितना होता है सर 20 किलोमीटर तक इसमें क्या होता है पता है आपको यहां पर टेम्परेचर जो है और आपका प्रेशर दोनों ही आपके कांस्टेंट होते हैं इसीलिए इसको बोला जाता है समताप मंडल बट जैसे ही आप इससे ऊपर जाते हो दोस्तों इससे ऊपर जब जाओगे तो यहां पर चीजें बदल जाएंगी क्या बदल जाएगा सर यहां पे यहां पर हमारे पास एक दूसरी गैस है और इस गैस का नाम क्या है सर इस गैस का नाम है ओजोन यहां पर आपके पास एक गैस पड़ी है और ये जो गैस है यहां पर इस गैस को इस लेयर को अपन क्या कह रहे हैं दोस्तों ओजोन लेयर कहां पाई जाती है सर स्टेटोस्पेयर के ऊपरी भाग में समताप मंडल के ऊपरी भाग में अब इस लेयर में आप जैसे ही जाओगे तापमान का क्या होगा सर यहां पे मैं बताता हूं सर यहां पर सर टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा हाइट के साथ साथ अब ये सर बढ़ने का कारण बता दो हमें ठीक है क्यों बढ़ देखो यहां टेम्परेचर क्यों घट रहा था क्योंकि जैसे जैसे धरती से ऊपर जाते हैं एटमोस्फेयर थिन होने लगता है पतला एटमोस्फेयर थिन होगा तो टेम्परेचर भी गिरने लग जाएगा यहां पर कांस्टेंट था सब कुछ लेकिन यहां से जब ऊपर आप जा रहे हो इससे ऊपर जब जा रहे हो तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है क्यों क्योंकि सर ये जो ओजोन लेयर है ना अभी बताया था मैंने ये यूवी रेज को पराबैंगनी किरणों को क्या कर रही है अवशोषित अब क्योंकि ये इनको अवशोषित कर रही है दोस्तों और जब भी सूर्य की किरणों का अवशोषण होता है सूर्य की किरणें एब्सॉर्ब होती हैं तो तापमान बढ़ने लगता है तो यहां पे अवशोषित हो रही है तापमान बढ़ रहा है ठीक है यहां तापमान बढ़ रहा है अब मेजोस्पेयर में क्या होता है सर देखो मेजोस्पेयर में फिर से वही बात अब इसके ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर लेके जाओगे आप ठीक है जाओगे तो फिर से तापमान घटेगा हाइट के साथ ऑल्टीट्यूड के साथ आप ये मान के चलो दिस इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ दी कोल्डेस्ट कूलेस्ट लेयर ठीक है ये कूलेस्ट लेयर है यहाँ पर तापमान माइनस अस्सी से लेकर ठीक है आपका माइनस हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है एकदम ठंडी लेयर है ये मेजोस्पेयर ठीक है बट इसके ऊपर फिर से जाओगे तो आप फिर से यहाँ से जैसे जाओगे ऊपर तो यहाँ जाओगे टेम्परेचर विद अगेन इंक्रीज विद द हाई ऑल्टीट्यूड तापमान बढ़ेगा अब यहाँ पर बढ़ने का कारण क्या है सर क्योंकि सर यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्षेत्र के अंदर में तो यहां एक गैस पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों याद रखना ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां तापमान क्यों बढ़ा बिकॉज यहां ओजोन यूवी रेस को एब्जॉर्व करती है यहां तापमान क्यों बढ़ा दोस्तों सर यहां पर मोलिकुलर ऑक्सीजन पाई जाती है ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं ओ खाली ओ ओ टू नीओ खाली और ये ओ जो होती है ये भी क्या करती है कुछ वेवलेंथ को सूरज की कुछ वेवलेंथ को ये क्या करती है एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित वेवलेंथ मतलब तरंग वेवलेंथ मतलब आवृत्ति तो ये हो गया अब एब्जॉर्प्शन होगा तो अगेन तापमान बढ़ेगा तो इसकी वजह से तापमान बढ़ता है मोलिकुलर ऑक्सीजन की वजह से ये पाई कहां से कहां तक जाती है मोलिकुलर ऑक्सीजन सर ये पाई जाती है आपका 200 किलोमीटर से लेकर अप टू 1135 किलोमीटर ठीक है ये एनसीआरटी में नहीं है बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग और अभी अगर आगे चल बढ़ेंगे बेसिक हो रहा है आगे बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में चलेंगे अब एक्जोस्फेयर का यार कोई मतलब है नहीं अपने को अब हर एटमोस्फेयर की पता एक यूटिलिटी है हर एक लेयर की अपनी एक यू, यूटिलिटी है सर क्या यूटिलिटी हमें थोड़ा बता दो मज़ा आएगा मैं बताता हूँ देखो स्टेटोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पर सारी की सारी जो भी आपकी वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटी है वो सब यहीं होती है कहने का मतलब क्या है जितनी भी मौसम संबंधी और जलवायु संबंधी घटना है मतलब आपका बादल बनना बारिश आना तूफान आना चक्रवात सब इसी में होता है सब एवरी सिंगल थिंग ये जो लेयर है हमारी ये जिसमें तापमान और कॉन्स्टेंट रहता है इस क्षेत्र को ना हम एयर जोन भी कहते हैं हवाई जहाज उड़ाते हैं हम यहां से क्योंकि सब कुछ कॉन्स्टेंट है ठीक है ये हो गया स्टेटोस्फेयर का मैं बता ही चुका हूं दोस्तों ठीक है स्टेटोस्फेयर में एक खास बात और होती है ठीक है और वो क्या है सर इस ऊंचाई पर बादल बनते हैं आइस क्लाउड जिनको हम कहते हैं ठीक है आइस क्लाउड पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड पीएससी याद है आपको और ये जो पीएससी है यही किस में रोल प्ले करते हैं आगे आपका ओजोन डिप्लीशन थोड़े दिन पहले इसके ऊपर एक टॉपिक हुआ था मेरा याद नहीं होगा आपको करंट अफेयर में डिस्क इसलिए मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार बहुत करंट अफेयर को तो यू कांट स्किप यू कांट मिस डेली करंट अफेयर को आप छोड़ ही नहीं सकते हो थोड़े दिन पहले ही ओजोन डिप्लेशन पे सवाल आया था अभी आया था कि एंटार्क्टिका में जो ओजोन होल है वो बड़ा हो रहा है उसका कारण क्या है, वह है दी ओजोन होल इन एंटार्क्टिका इज गेटिंग बिगर और अर्ली भी आ गया जल्दी यूजली सितंबर में दिखाई देता है बट इस बार अगस्त में आ गया था उसका रीजन बताया था ना एक वोल्केनो क्या नाम है देखो देखते हैं कौन बता पाता है यार एक बार वीडियो लाइक कर दो यार एक तो है ही बहुत कम आज जो है वो प्लीज एक बार लाइक करो यार फटाफट फड़ से डन ये है थर्मोस्फेर जो है सर यहां पे क्या होता है मैं आपको बता दूं सर दिस इज यूज फॉर सैटेलाइट ठीक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन या जो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ये सिंपल सा डायग्राम है सिंपल इसके जिसको ये याद हो गया अब याद कैसे होगा कुछ नहीं करना अभी क्लास के तुरंत बाद दो मिनट लगेगी बैठ के इसको बना के देख लेना यहाँ दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई आपको दोस्तों और वो कौन सी है बताओ दो चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई एंड आर दोज दोज फर्स्ट कि क्यों यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ाई कि यूवी रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं इसको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको यार तुम भूल नहीं सकते हो ठीक है दूसरा यहां पर मोलिकुलर ऑक्सीजन वाली बात दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना कि यहां तापमान क्यों बढ़ता है ये बहुत जरूरी है एंड पोलर स्टेटोस्पेरिक क्लाउड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ध्यान एक बात और रखनी है कि जितनी भी हमारी मौसम और जलवायु संबंधी घटनाएं दे ऑल टू प्लेस इन द वो कहां पर ट्रोपोस्फेयर में अब यही बात इसमें बताई गई है हमारे पास लेयर क्या है अब ये जो डिवीजन हमने किया है लेयर का ये किसके आधार पे किया है बच्चों ये हमने डिवीज़न किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रोपोस्फेयर ठीक है नीचे से ऊपर जा रहे हैं देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है पंद्रह से लेकर माइनस छप्पन जा रहा है इसमें माइनस छप्पन से दो डिग्री यहाँ पे स्टेटोस्फेयर का जो ये रीजन है यहाँ पे आप देखोगे और फिर मिजोस्फेयर आ जाता है दोस्तों मिजोस्फेयर के अंदर में क्या होता है मिजोस्फेयर के अंदर में उल्का पिंड आते हैं दिख रहा है मीटरॉइड्स ज़्यादातर मीटरॉइड्स यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं उल्का पिंड मिटोर्स कुछ कुछ होते हैं वो स्टेटोस्फेयर में आते हैं इसका भी कुछ बच गया तो नीचे गिरता है यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो मेट्रोलॉजिकल रॉकेट जो है यहीं पे हम भेजते हैं ठीक है इसके बाद में अगर बात करें थर्मोस्फेयर ठीक है ये पोलर एरिया में होता है ओरियोलिस बोरियोलिस वो वहीं पे होता है वो डिस्कस करेंगे ये जो होता है इसको एग्जोस्फेयर कहते हैं सेटेलाइट कम्युनिकेशन यहीं से होता है ठीक है ये सेटेलाइट वाला नीचे आएगा थर्मोस्फेयर के अंदर में उसमें ज्यादा ऊपर दिखाया हुआ है अब ये दोस्तों अपने पास ग्राफिक थी ग्राफी ग्राफिक थे तो ये ऐसे ही थे इसमें बस आपको ये मेरा वाला डायग्राम जो है ये ध्यान रखना है ये मैंने आपको बताया कैसे कैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं देखो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है ठीक है कहीं डिक्रीज़ कहीं इंक्रीज़ कहीं डिक्रीज़ कहीं इंक्रीज़ है ना और डिक्रीज़ इंक्रीज़ क्यों होता है उस सब का मैंने रीज़न आपको बताया यहां तक बताओ किसी को भी दिक्कत है हाँ रोहित ऐसा होता है ना यार बार बार चीज़ें रिपीट होती है लेकिन आप लोग मानते तो नहीं हो ना आपको चाहिए एलेवंथ क्लास चैप्टर सेवन ही पढ़ाया हुआ है पर आप लोगों को चाहिए होता है क्या करें <coughs> ये हो गया हमारा टेम्परेचर वेरिएशन तापमान भिन्नता से ठीक है आज का इतना ही है एन के अंदर सो so, क्लास यहां पे तक हम समाप्त करते हैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे साथ साथ शेयर करेंगे वीडियो को और क्योंकि आपको पता ही है ड्रिल अपनी कमेंट जरूर करके जाना है यहां पर नहीं दो मिनट रुको आकांक्षा ठीक है दो मिनट रुको अभी कमेंट बॉक्स में लिखना आप राधे कृष्णा ठीक है अच्छी बातें कमेंट बॉक्स में लिखना अभी थोड़ी देर बाद तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फॉलो कीजिएगा दोस्तों ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है यहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा सेशन पसंद आया तो लाइक करिए शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों आज समाप्त करते हैं कल मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ यानी कि एन सी आर टी इलेवेंथ क्लास चैप्टर नंबर एट थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय